आज की हमारी जो दूसरी खबर है वो है हमारी रवि शास्त्री और हार्दिक पांडे से जुड़ी हुई, जहाँ पर रवि शास्त्री ने देखे तो हार्दिक पांडे के ओडीआई करियर पर जो है बहुत बड़ा बयान दिया है, जहाँ उन्होंने हार्दिक पांडे के ओडीआई करियर पर लगभग देखे तो एक रोक लगाते हुए उनपे बयान दिया है कि वो उनका 2023 का विश्व कप के बाद जो है वो अपने ओडीआई करियर से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि लगातार प्लेयर्स पर देखा जा रहा है कि क्रिकेट का शेड्यूल जो है तीनों फॉर्मेट्स में मिला करके इतना बढ़ता जा रहा है, तो खिलाड़ियों की मानसिकता पर उसका असर साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखने को जी बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले तो बेन स्टोक्स का ले सकते हैं। बिल्कुल बेन स्टोक्स ने भी हालिया में जो रिटायरमेंट अनाउंस किया सबको चौंका के रख दिया। अब एकदम शॉकिंग उनका रिटायरमेंट था कि ओडीआई क्रिकेट के चैंपियन खिलाड़ी, अब ये खिलाड़ी ऐसा था कि वो किसी भी फॉर्मेट में उतरे ये अपनी टीम को 100% कमिटमेंट के साथ खेलता था। और अगर हम बात करें इससे पहले भी इंग्लैंड क्रिकेट में पहले हो चुका है, जहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट की हम बात करें तो केविन पीटरसन उनके दिग्गज खिलाड़ी, जहाँ पर उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट को चलते ही ओडीआई क्रिकेट से हटने का फैसला किया था, और कहीं ना कहीं फिर उसका इफेक्ट हमने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे देखा, उन्होंने T20Is के भी सिलेक्शन के लिए अब केविन पीटरसन को सिलेक्शन से रोक दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पर रोम लगता है ना कि ये जो सारे विचार है खासकर हार्दिक पांड्या को लेकर ना, वो रवि शास्त्री के अपने निजी है, क्योंकि फिलहाल के लिए हार्दिक पांड्या बेहद ही फिट है, बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब तो उन्हें बतौर कप्तान भी कंसिडर किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता या फिर ज्यादातर लोगों की भी यही सोच होगी कि जो बात रवि शास्त्री ने कही है वो उससे इत्तेफाक रखना चाहते हैं या रखते होंगे, और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या हमें तीनों फॉर्मेट में मुझे लगता है अभी काफी लंबे वक्त तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल शेयर, और साथ साथ देखिए तो रवि शास्त्री का इसमें साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बायलेटरल सीरीज लगातार देखे तो होती जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर ज्यादातर जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। बल्कि अगर फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करें तो फ्यूचर में देखिए तो आने वाले समय में फ्रेंचाइजी क्रिकेट ज्यादा जो है क्रिकेट में राज करने वाली है, ये बात उन्होंने रवि शास्त्री ने अपनी हालिया स्टेटमेंट में बोली है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या की अपने बात की कि तीनों फॉर्मेट में, और खासतौर पर जिस हम मौजूदा समय में देखें तो पिछले 2-3 महीने के दौरान जिस तरीके से हार्दिक पांडे ने अपना क्रिकेट में कमबैक किया है, आईपीएल की बात कर ले 2-2.5 महीने जो आईपीएल चला उसमें गुजरात लायंस की कप्तानी करते उन्होंने, ना केवल कप्तानी है बल्कि बल्लेबाजी फील्डिंग और साथ साथ देखे तो पूरी कप्तानी के तौर पर अपनी टीम को टाइटल तक जिताया। बिल्कुल, अगर हम हार्दिक पांडे की बात करें तो काफी हद तक मैं कहूंगा ये कमबैक ही था जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम बात करें उससे पहले वो अपने जो रोल पे तो काफी लिमिटेड रहते थे कि मैं आऊंगा नीचे बल्लेबाजी करूंगा और 5-6 नंबर पे आके अपनी टीम के लिए मैचेस फिनिश करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने रोल को थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रोवाइज करा, नई गेंद से गेंदबाजी करने लगे, अपने जो बैटिंग रोल था वो लोअर राउंड या उधर फिनिशर आते थे, अपने बैटिंग ऑर्डर को 4 नंबर के उपयुक्त बनाया कि जहां पर 4 नंबर पे वो एंकरिंग इनिंग्स भी खेले और जब जरूरत पड़े तो पेस कर इनिंग्स को। और साथ में हमने गेंदबाजी में जो इंप्रूवमेंट देखा 146 किलोमीटर की अभी हाल ही में सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी उन्होंने की, और साथ में नई गेंद से विकेट छटकाने वाला हमें गेंदबाज मिल गया। और एक चीज और मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं कि हार्दिक पांड्या की हम बात करते नहीं थकते, अब जो उनका बाउंसर प्लान था मगर इंग्लैंड के अगेंस्ट वाली बात करें जहां पर उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन, बेन स्टोक्स और फिर जॉस बटर को बाउंसर गेंद पर आउट किया था, तो ये दिखाता है उसको इतना विश्वास है अपनी गेंदबाजी पे। बिल्कुल, आपने ये जो बात कही जहां पर फिनिशर का रोल अदा करते हैं, कभी जरूरत होती है तो एंकर का भी रोल अदा करते हैं वहां पर हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी से, तो मुझे लगता है ना कि जब से कप्तानी हार्दिक पांड्या को मिली है उनमें और ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, जो एक कप्तानी वाली सोच थी ना अब वो उनकी बल्लेबाजी में भी देखने को मिल रही है हार्दिक पांड्या की, हम वो चीजें हमें आईपीएल में भी देखने को मिली सौरभ, और उसके बाद अब जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब से वो उन्हें मौका मिल रहा है बतौर कप्तान, वो यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ उतरे थे वहां पे तो जरूर दिखी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ भी जितनी बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने वहां पे भी हमें वो एटीट्यूड दिखा है, वो सोच और वो समझदारी दिखी है हार्दिक पांड्या में। बिल्कुल सर, सवाल लेते हैं यहाँ पे, अली राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर ए बी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर सिंह कह रहे हैं कि रवि शास्त्री जी तो ओडीआई को भी बंद करवाना चाहते हैं, अगर ओडीआई बंद हुआ तो मैच देखना बंद कर दूंगा, तो ये नाराजगी जता रहे हैं रवि शास्त्री के अपने बयान पर। देखिए वो उनका निजी बयान था, वो उनकी निजी सोच थी, वो क्या सोचते हैं अब, लेकिन ओडीआई क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्रिकेट की बात करें 50 ओवर वर्ल्ड कप होता है, मेन वर्ल्ड कप जब कंसिडर होता है, तो ओडीआई क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं से बंद होने वाला है, ओडीआई क्रिकेट में अभी भी बहुत जान है, काफ़ी कंसिडर किया जाता है, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग भी चल रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा T20 क्रिकेट जितनी प्रेफरेंस मिल रही है वो थोड़ा कम करना होगा।
जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखे तो इन्हीं से ही हमें उनसे एक निजी ओपिनियन उनकी और देखने को मिल रही है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ODI के बदले T20 को बंद करना चाहिए, ODI जो है उनको चार वो लगातार जो है आगे जारी रखना चाहिए, बल्कि T20 क्रिकेट को जो है बंद कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि छेड़छाड़ हो रही है। हम क्रिकेट से हम बात करें तो पहले 60 ओवर का 50 ओवर मैच होता था, 60 ओवर का ODI क्रिकेट होता था जिसको 50 ओवर का कर दिया गया। शुरुआत के वर्ल्ड कप भी 60 ओवर वर्ल्ड कप हुए थे, उसके बाद अब कहीं ना कहीं T20 से भी छेड़छाड़ की जा रही है। T10 हो रहा है, हम T15 कह रहे हैं, 6 ओवर का एक हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट की। तो कहीं ना कहीं जितना शॉर्टर ये फॉर्मेट होता जाएगा उतनी ही दिक्कतें ये बनती जाएगी, बिजनेस बन जाएगा क्रिकेट। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए अब ये बिजनेस मॉडल या फिर रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल तो BCCI ने क्रिकेट को बना ही दिया, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि तीनों फॉर्मेट की अपनी अहमियत है और तीनों फॉर्मेट अपनी जगह पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखना यही है कि इन तीनों फॉर्मेट के बीच में जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो ज्यादातर मैच खेलते हैं, उनको लेकर वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह से करता है BCCI, क्योंकि वही बेहद अहम है। बेन स्टोक्स के साथ वो देखने को हमें नहीं मिला और यही वजह रही कि यहाँ पर बेन स्टोक्स को मुझे लगता है कि एक फॉर्मेट से हाथ पीछे खींचने पड़े।